हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट टू त्रिकोणमिति का। तो आज अपन लेके आ रहे हैं स्टूडेंट त्रिकोणमिति का, जो कल त्रिकोणमिति का परिचय हो चुका था स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग दो चीजें सीखे थे। एक था हमारा कि कोई भी समकोण त्रिभुज अगर दिया रहेगा तो लंब और आधार पहचानना, आप पहचानना सीख गए होंगे। आप भी लंब कोण होता था स्टूडेंट, किसी भी कोण के जो सामने भुजाएं होती थी वो भुजाएं हमारा लंब होती थी, और बाकी उसका संगत जो भुजा होती थी वो हमारा आधार होती थी, है ना। जो सामने भुजा होता था वो लंब, और जो उसके संगत होता था वो आधार, बाकी जो सबसे बड़ी भुजा थी स्टूडेंट वो हमारा कर्ण था। ये बातें आपने अच्छे से सीख गया था। दूसरी बातें आपने ये भी सीखा था कि कोई भी अगर समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कि पाइथागोरस एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने दिया था, तो पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है ना। तो ये दो बातें सीख गया था, एक तो लंब और आधार पहचानना, और दूसरी बातें कि आपको कोई समकोण त्रिभुज दिया रहेगा तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है स्टूडेंट, कर्ण का स्क्वायर होता है। तो यदि ये दोनों बातें सीख गए तो फटाफट कमेंट बॉक्स पे एस 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 करके लिख के बताओ। सीख गया तो एस लिख के, जितना ज्यादा हो सके कमेंट बॉक्स पे एक्स लिख के बताइए एस कि मैं सीख गया, हाँ मैं सीख गया। अगर आप सीख गए तो आज मैं आपको इसी का पार्ट टू में लेके जाता हूं। तो फिर से मैं स्टूडेंट आपको एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है स्टूडेंट, ये हमारा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। मैं हमेशा कोण सी के बारे में बात करूंगा, मतलब जब भी इस तरह का बनेगा त्रिभुज तो हम कोण सी के बारे में बात करेंगे। तो यदि आप स्टूडेंट देखोगे तो यहां पर दो चीजें दिखाई देगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोण है। ये कोण सी के लिए लंब हमारा कौन होगा स्टूडेंट, ए बी, जो कि हमारा पी होगा, है ना। आधार हमारा कौन होगा स्टूडेंट, बी सी, जो कि हमारा बी होगा। और कर्ण हमारा कौन होगा स्टूडेंट, जो सबसे बड़ी भुजा है, और सबसे बड़ी भुजा आपको अच्छे से पता है ये हमारा ए सी इसमें है, जो कि हमारा होगा एच। ये बात बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पता चल गया। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था स्टूडेंट, शुरू में ही कल के वीडियो में मैं आपको बताया था कि त्रिकोणमिति में अपन पढ़ते क्या है, तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज को मापने के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज में क्या क्या माप सकते हो स्टूडेंट, एक तो भुजा है, तीन भुजा है ना, ए बी बी सी और ए सी, और दूसरी बात क्या है, कोण है, एक कोण दो कोण और तीन कोण, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि भुजा है और क्या है स्टूडेंट, कोण। तो त्रिभुज में बेसिकली अपन मापने क्या वाले थे, कल भी चर्चा हुई थी कि कोण को मापेंगे और साथ ही साथ भुजा को मापेंगे। तो अपन आज एक बहुत अच्छा संबंध निकालने वाले हैं जिसको बोलेंगे त्रिकोण मिति का अनुपात, इसको त्रिकोण मिति का अनुपात बोलेंगे स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं अंग्रेजी में। ये अनुपात निकालने के बारे में अपन सीखने वाले हैं। तो आप ना, आपको मैं बड़ी खतरनाक तरीके से बताता हूं कि कैसे अनुपात निकालते हैं। आप देखना स्टूडेंट, ये जो ए बी है, ए बी है, मैं संबंध निकाल के बताता हूं। ए बी का संबंध बी सी के साथ निकालो, पहले आप ए बी का संबंध ए सी के साथ निकालो, ए बी का ए सी के साथ, तो ए बी का संबंध ए सी के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी का संबंध ए सी के साथ। अब दूसरा क्या करेंगे, ये BC का संबंध AC के साथ लिखेंगे, अनुपात ले रहे हैं, BC का अनुपात AC के साथ। तीसरा क्या करेंगे स्टूडेंट, AB का संबंध BC के साथ, AB का संबंध BC के साथ। आपको पता है स्टूडेंट, जब भी संबंध होता है ना, संबंध तो एक नाम होता है, साथ ही साथ एक और बात भी देखो आप, ये हमारा क्या है, AB का संबंध स्टूडेंट AC के साथ है, सही है, BC का संबंध भी AC के साथ है, साथ ही साथ AB का संबंध BC के साथ है। आपको पता होगा स्टूडेंट कि संबंध दोनों तरीके से चलता है। अगर मैं आपका टीचर हूं तो आपके तरफ से संबंध मेरे साथ कैसा है, आप मेरा स्टूडेंट हो, समझ लो, इधर से संबंध क्या हुआ, टीचर स्टूडेंट वाला, और उधर से संबंध क्या हुआ, स्टूडेंट टीचर वाला, समझ लो। संबंध दो तरफा होता है, दो दिशा वाला होता है, इधर से भी होता है उधर से भी होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके अंकल है, तो अंकल के लिए आप क्या हो, भतीजा,
लेकिन आपके लिए ओ क्या है अंकल, मतलब संबंध दोनों तरह से होता है। यहां वैसे ही ए बी का संबंध अगर ए सी के साथ हुआ स्टूडेंट, तो आपको क्या लगता है ए सी का संबंध ए बी के साथ होना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली होगा। तो इसी तरह यहां पे ए सी का संबंध भी क्या होगा स्टूडेंट, ए सी का संबंध क्या होगा स्टूडेंट, ए बी के साथ होगा। अगर बी सी का संबंध ए सी के साथ हुआ स्टूडेंट, बी सी का संबंध ए सी के साथ हुआ, तो आपको क्या लगता है ए सी का संबंध बी सी के साथ होगा कि नहीं? यस होगा, डेफिनेटली होगा। तो यहां पे ए सी का संबंध भी स्टूडेंट बी सी के साथ होगा, समझ लो। इसी प्रकार यदि ए बी का संबंध बी सी के साथ हुआ स्टूडेंट, ए बी का संबंध बी सी के साथ, तो आपको अच्छे से पता है कि बी सी का संबंध भी अपन निकालेंगे ए बी के साथ। समझ में आया? वैज्ञानिक लोगों ने ये बातें तो लिख दी है, लेकिन आपको पता है ना हर रिश्ते का नाम होता है, हर रिश्ते को एक नाम से पुकारा जाता है। अगर कोई दो लोग हैं और उनके बीच अगर रिश्ता है स्टूडेंट, तो कैसे पुकारोगे? नाम लोगे ना यार, नाम तो कुछ रखोगे ना, फ्रेंड का, भाई का, बहन का। अगर आपके तरफ से अगर कोई बहन है तो बहन की तरफ से आप क्या हो? भाई हो। संबंध दो तरफा होता है, समझ लो। तो अगर ए बी का संबंध ए सी के साथ, बी सी का संबंध ए सी के साथ, ए बी का संबंध बी सी के साथ है, तो इसी तरह इसका उल्टा भी होगा, ए सी का संबंध ए बी के साथ, ए सी का संबंध बी सी के साथ, और ये ए बी का संबंध बी सी के साथ था, तो बी सी का संबंध ए बी के साथ होगा। अब इसका नाम क्या रखेंगे स्टूडेंट, इसके बारे में सोचते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि वैज्ञानिक जो रहे हैं, जो हमारे पाइथागोरस साहब रहे हैं और भी और ढेर सारे वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ए बी बटे ए सी को ना, ए बी बटे ए सी को ना नाम क्या दिया? नाम दिया स्टूडेंट साइन, एस आई एन ई, ये बड़ा नेम है, फुल फॉर्म है, ठीक है, साइन दिया। बी सी बटे, बी सी बटे ए सी का नाम दिया स्टूडेंट को साइन, कोसाइन। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आप बिल्कुल नोट बनाते रहिएगा, ठीक है, आप बिल्कुल नोट बनाते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ए बी बटे ए सी जो है ना, ए बी बटे सॉरी ए बी बटे बी सी जो है, इसका संबंध दिया स्टूडेंट टेन जेंट, टेन जेंट, टेन जेंट। इसी तरह हमारा ए सी बटे ए बी जो है स्टूडेंट, इसका संबंध इन्होंने दिया क्या? कोसिकेंट, कोसिकेंट। देखिए हमारा ए सी बटे ए बी जो है, इसका संबंध वैज्ञानिक लोगों ने क्या दिया? कोसिकेंट। इसी तरह हमारा ए सी बटे बी सी है स्टूडेंट, ए सी बटे बी सी, इसका संबंध दिया वैज्ञानिक लोगों ने सीकेंट, सीकेंट। और इसी तरह हमारा बी सी बटे ए बी जो है स्टूडेंट, इसका संबंध का नाम दिया उन्होंने कोटेंजेंट। पता चला स्टूडेंट? मैं नहीं दे रहा हूं यार, इस साइंटिस्ट लोग जो है ना ऑलरेडी नामांकन करके रखे हुए हैं। तो आपको पता है ना स्टूडेंट, अगर आपका नाम है, अगर आपका नाम है महेश, तो आपको घर में ना दुलार से, प्यार से कोई ना कोई निकनेम जरूर बुलाते होंगे, निकनेम से जरूर बुलाते होंगे। कभी भी घर में, ज्यादातर घरों में ना वही नाम से नहीं पुकारा जाता जो नाम उसका सच में होता है, कुछ ना कुछ तो निकनेम होता है स्टूडेंट। अगर वहां पे कुछ ना कुछ निकनेम होगा, तो क्या लगता है यहां पे कुछ निकनेम होना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली होना चाहिए। तो यहां पे निकनेम होगा स्टूडेंट, और वो ये होगा कि साइन को ना, साइन को सिर्फ सीन बुलाता था, साइन को सिर्फ सिन बुलाया गया। बीसी बटे एसी जिसको कोसाइन बोला गया स्टूडेंट, उसको कोसाइन नहीं बोल के इसका निकनेम से बुलाया गया कोस। समझ पा रहे हो क्या? इसी तरह एबी बटे जो बीसी था स्टूडेंट, इट टेंजेंट ना बोल के इसको बोला गया क्या? टेन। इधर भी आइए, कोसिकेंट को कोसिकेंट ना बोल के, क्योंकि देखो कोसिकेंट बहुत बड़ा नाम था, तो वैज्ञानिक लोगों ने सोचा यार इतना बड़ा बड़ा नाम, हो सकता है कोई प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाए, प्रोनाउंसिएट मतलब उच्चारण नहीं कर पाए, तो कैसे बोल पाएगा, तो कुछ निकनेम तो होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम हो गया कोसेक। इसका नाम कोसिकेंट से क्या रख दिया स्टूडेंट? कोसेक। और इसका नाम सिकेंट से बदल के रख दिया सेक। और वैसे इसका नाम कोटेंजेंट से बदल के स्टूडेंट रख दिया कोट। समझ में आया निकनेम? तो आपका भी निकनेम होगा, तो आप अपने
ये जो कमेंट बॉक्स है वहां पे आप जरूर लिख के बताइएगा कि सर मेरा नाम ये है लेकिन मेरा निकनेम ये है, ठीक है, जरूर बताइएगा। जिस तरह ये सबका निकनेम हुआ, इनके माता जी पिताजी कौन थे, तो पाइथागोरस साहब, एक और भी वैज्ञानिक थे स्टूडेंट जिनका नाम अभी फिलहाल मैं नहीं ले रहा हूं, वो दोनों मिलकर इनको क्या किया था, नामकरण किया था। जिस तरह हमारे घर में माता पिताजी होते हैं ना और हमारे पंडित जी जो लोग होते हैं वो सब मिलकर नामकरण करते हैं, वैसे ही कुछ यहां भी हुआ, ठीक है। तो जिस तरह ये सबका निकनेम हुआ स्टूडेंट, उस तरह आपका भी होगा, तो आप जरूर बताइएगा कि आपका निकनेम क्या है। अब स्टूडेंट हम लोग चूंकि त्रिभुज पढ़ रहे हैं और त्रिभुज में भुजा और कोण के बीच संबंध जान रहे हैं कि संबंध क्या होगा, तो ये तो हमारे भुजाएं थी, ये तो हमारी भुजाएं थी, ये वाला भुजा का अनुपात था, लेकिन कोण तो दिखा नहीं। तो वैज्ञानिक लोगों ने क्या सोचा कि भाई मैंने इसको क्या माना था, बोलिए आप भी, ये हमारा क्या लंब है ना, तो लंब जो है वो किस कोण के सामने है, ये लंब कोण सी के सामने है कि नहीं, तो कोण सी के सामने वाला जो भुजा होगा वही तो लंब होगा, ये बात तो आप जानते हो, और बाकी ये हमारे बीसी के आधार है। तो वैज्ञानिक लोग बोला क्या, एक काम कीजिए यहां पे आप सी दे दीजिए, सब जगह आप क्या दे दो स्टूडेंट, सी दे दो। फिर एक उठ के आया और बोला कि भैया अगर आप यहां सी दे दोगे, सी दे दोगे तो ए भी तो हो सकता था, ए ए ए ए, क्योंकि अगर इस कोण के बारे में बात करेंगे तो ए भी तो हो सकता था ना। फिर एक और लोग आए, वो थोड़ा पी लिया था, पीने के बाद आया और बोला भैया साहब तुम ए और सी क्यों ले रहे हो, अगर मान लो कि ये हमारा क्या है, ये अगर हमारा पी क्यू आर है जो कि हमारा एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, तो इसके लिए तो कोण आर होगा, इसके लिए तो पी होगा, किससे मान ले कि आप ए और सी ही लो, अगर मैं यहां पी रख देता हूं, पी 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 सब जगह पी, तो कोई आएगा बोलेगा भाई मैं क्यू भी तो रख, आर भी तो रख सकता हूं, सही बात है, क्योंकि न्यून कोण रख सकते हैं, इस त्रिभुज की बात करें तो ए भी रख सकते हैं सी भी रख सकते हैं। तब वैज्ञानिक लोग बोले कि लोड ना लो, टेंशन ना लो, ये आर पी ए सी जो रखना चाह रहे हो ना आप, एक काम करो मत रखो ये सब। फिर उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, एक कोण को लेके आया और वो कोण का नाम था स्टूडेंट थीटा, थीटा या एक ग्रीक वर्ड है थीटा जो अमेरिका से लॉन्च किया, समझ लो, इसको ऑनलाइन मंगाया गया और बोला आज से समस्या का हल मिल गया आपको, ये मिल गया कि ये साइन है ना, आप सी मत बोलो, आप ए मत बोलो, पी क्यू मत बोलो, एक्स वाई जेड मत बोलो, कुछ क्या बोलो, अब इसको थीटा बोलो। सब जगह थीटा को क्या किया स्टूडेंट, चिपका दिया, और इस प्रकार आपके पास स्टूडेंट क्या बन के आया, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा स्टूडेंट, ठीक है। अब ए बी बटे ए सी को थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, ए बी देखिए क्या है, ए बी हमारा क्या है स्टूडेंट, लंब है, तो मैं इसको लिख सकता हूं लंब, ए बी को लिख सकता हूं लंब, बिल्कुल लिख सकता है। ए सी हमारा क्या है स्टूडेंट, कर्ण है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कर्ण, यस। इसका मतलब है कि स्टूडेंट आपके पास, आपके हाथों में कुछ पहला फॉर्मूला इस प्रकार रहा, आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा का बताइए फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या बोलोगे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, पी बटे एच। इसी तरह कोस थीटा बराबर देख लो स्टूडेंट, बी क्या है हमारा, बी बी है और ए सी तो हमको पता ही है एच है, इसका मतलब कोस थीटा का फॉर्मूला क्या आया स्टूडेंट, आधार बटे कर्ण। इसी तरह यहां पे आओ, ए बी आप देखिए, ए बी क्या है, पी, और BC क्या है स्टूडेंट, B। इस प्रकार टेन थीटा का फॉर्मूला आपके पास क्या आया है स्टूडेंट, P बटे B, P बटे B मतलब लंब बटे आधार। इसी तरह यहां पे लिखो AC, देखिए क्या है स्टूडेंट, AC, AC हमारा देखो क्या है, H है, कर्ण है, और AB क्या है स्टूडेंट, AB हमारा P है, बोले तो लंब है, तो हमारा कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आया स्टूडेंट, कर्ण बटे लंब। इसी तरह आप यहां पे लिखो AC को, फिर क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, H, और BC को क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, B। इस प्रकार हमारे पास एक और नया फॉर्मूला आपके बीच कुछ इस प्रकार से आया, H बटे B, जिसको हम बोलेंगे क्या, कर्ण बटे आधार। और अगला एक और फॉर्मूला स्टूडेंट जो आपके बीच इस प्रकार आ रहा है, BC को क्या बोलोगे स्टूडेंट, B, और AB को क्या बोलोगे स्टूडेंट, P।
तो ये हो गया कॉट थीटा बराबर आधार बटे लम। और इस प्रकार छह फॉर्मूला जो कि डॉन है, ये पूरा त्रिकोणमिति का स्टूडेंट डॉन है। ये तो मैं टेन का नहीं बता रहा हूं, ये जो सिक्स है ना सिक्स, इसी के ऊपर निर्भर करता है क्लास इलेवन का त्रिकोणमिति या फिर ऊपर लेवल का। इलेवन में आप जाओगे तो आपको बहुत बड़ा ट्रिगोनोमेट्री का मिलेगा, बहुत बड़ा चैप्टर मिलेगा, और उसमें ऐसा ऐसा सवाल है स्टूडेंट जो आईआईटी में पूछा जाता है, अच्छे अच्छे कंपटीशन में पूछा जाता है, वो सारा सवाल का जवाब सिर्फ यही छह बच्चा देगा। मेन फंडा यही है, आधार यही है स्टूडेंट। तो आपको याद हो जाना चाहिए इस तरह करके, ठीक है, अंगुली पे याद हो जाना चाहिए आपको। साइन थीटा बराबर बोलिए स्टूडेंट क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, लंब बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, कर्ण बटे आधार। और कोट थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, आधार बटे लंब। क्या छह फॉर्मूला याद हो गया? यदि आपको इस वीडियो को देखते ही याद हो गया छह फॉर्मूला, तो आपको मैं कहूंगा कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताओ कि यस सर मेरे को छह में छह फॉर्मूला याद हो गया। जितना जल्दी हो सके कमेंट में लिखो, सारे लिखना अगर याद हो गया तो, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सारा का फॉर्मूला यदि याद हो गया तो जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में बता मुझे। अब मैं इसको क्या करता हूं स्टूडेंट, एक जगह लिख के आपको देता हूं, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, चना अमृत समझ के पी जाइएगा, त्रिकोणमिति में बड़ा हेल्दी फील करोगे, बड़ा स्वस्थ रहोगे। अगर ये छह फॉर्मूला आपके दिमाग में घुस गया स्टूडेंट ना, त्रिकोणमिति को आग लगा दोगे आप, भाग जाएगा त्रिकोणमिति आपके सामने से। पहला क्या है स्टूडेंट, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या है स्टूडेंट, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तीसरा क्या है स्टूडेंट, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। चौथा क्या है स्टूडेंट, कोसेक थीटा जो कि आपका कितना है, कर्ण बटे आधार, सॉरी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। पांचवा क्या है स्टूडेंट्स, सेक थीटा जो कि है आपका कर्ण बटे आधार। और छठा क्या है स्टूडेंट, कोट थीटा जो कि है आधार बटे लंब। ये छह फॉर्मूला जमाल घोटा है, जिसको यदि आप पी गए ना स्टूडेंट, बड़ा मजा आएगा यार। ये जो आपका जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना त्रिकोणमिति, जिसमें बिहार बोर्ड में लगभग 52 नंबर का क्वेश्चन आता है, 50 नंबर, 40 नंबर, हर बात आता है, वो 40 में 40 आपका आ जाएगा यदि ये छह फॉर्मूला अच्छे से आप अपने अंदर खोपड़े में डाल लिया। क्या लगता है, याद हो गया? बिल्कुल हो गया होगा स्टूडेंट। लेकिन एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसमें गौर कीजिएगा स्टूडेंट, ये साइन थीटा बराबर क्या है, पी बटे एच है ना। कोसेक थीटा क्या है, एच बटे पी। आपको दिख रहा होगा साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा पुल्टा, समझ लो। साइन थीटा क्या है, देखो साइन थीटा क्या है, कोसेक थीटा का उल्टा, या बोले जाए बोला जाएगा कभी कोसेक थीटा किसके उल्टा होता है स्टूडेंट, तो लिखो ना कमेंट बॉक्स में यार, क्या देख रहे हो, साइन थीटा का उल्टा। कोसेक थीटा साइन थीटा के उल्टा और साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा। इसी तरह आप इसको देखो स्टूडेंट, ये कोस थीटा बराबर बी बटे एच है और यहाँ पे सेक थीटा बराबर एच बटे बी है, तो क्या इसी का उल्टा पुल्टा नहीं है, तो ये भी क्या है स्टूडेंट, उल्टा पुल्टा, समझ लो। कोस किसका उल्टा है स्टूडेंट, सेक का। सेक किसका उल्टा है स्टूडेंट, कोस का, वेरी नाइस। इसी तरह यहाँ पे देखो स्टूडेंट, टेन थीटा बराबर क्या है स्टूडेंट, पी बटे बी। कोस थीटा बराबर क्या होगा स्टूडेंट, बी बटे पी। इसका मतलब पी बटे बी का ही तो उल्टा है, बी बटे पी। इसका मतलब टेन थीटा किसका उल्टा है स्टूडेंट, कमेंट में लिख के बताओ, कोट थीटा का। कोट थीटा किसका उल्टा है स्टूडेंट, टेन थीटा का। ये बातें आपके दिमाग में क्या अट गया स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि अट गया होगा। यदि अट गया, यदि अट गया तो लिखो यस, नहीं अटा तो अटाओ पहले, ठीक है। ये बातें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इसी को बोलेंगे स्टूडेंट त्रिकोणमिति
के अनुपात। यही छह हमारा क्या है स्टूडेंट, त्रिकोणमिति के अनुपात है, जो कि जान बोलते हैं हम, जिगर बोलते हैं हम त्रिकोणमिति का, समझ रहे हो, इसी पे त्रिकोणमिति है। आगे जो और कुछ भी सीखेंगे उसका आधार स्टूडेंट यही छह रहेगा। समझ में आया क्या, मुझे उम्मीद है कि आ ही रहा होगा आपको। तो ये छह हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया जिसको याद रखना है। एक बार चलो रिपीट करते हैं साथ में, साइन थीटा बराबर, बोलो जल्दी बोलो कमेंट में लिख के, पी बटे एच, कोस थीटा बराबर एच बटे बी, अरे नहीं बी बटे एच, टेन थीटा बराबर जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो पी बटे बी, वेरी नाइस, सेक थीटा बराबर एच बटे पी, अरे नहीं एच बटे बी, वेरी गुड, कोसेक थीटा बराबर बी बटे पी, क्या बोल रहा है, बी बटे पी नहीं, सोचो कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, साइन का क्या था पी बटे एच, कोसेक का क्या होगा एच बटे पी, वेरी गुड, टेन थीटा का क्या था पी बटे बी, तो कॉट का क्या होगा स्टूडेंट बी बटे पी, वेरी नाइस, उम्मीद है याद हो गया होगा स्टूडेंट। तो ये छह चीजें आपको याद करना बहुत जरूरी है, ये छह चीजें अगर याद हो गया स्टूडेंट, अब मैं आपको जो 8.1 जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और ये नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट परसों आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम वीडियो जो आपको मैं हिंदी मीडियम में देता हूं यह इंग्लिश मीडियम में बनेगा, तो इसीलिए इसका जो थर्ड पार्ट होगा जिसमें मैं 8.1 का पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है, वो आपका परसों आएगा स्टूडेंट। तब तक के लिए यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ सर मजा आ गया सर, और अगर मजा आपको आया तो आपको क्या लगता है मजा को अपने पास रखना चाहिए क्या, शेयर करो यार, दबा के शेयर करो, इस चैनल का जो 1K का जो रिजोल्यूशन है, 1K का जो कमिटमेंट लेके चले 1000 सब्सक्राइबर का, टीचर डे के पहले स्टूडेंट उसको पूरा करना है, और आप अगर हेल्प करोगे तभी पूरा हो पाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आप अगर आपको मजा आ रहा है तो आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट होंगे उनके बीच इस चैनल को दबा के शेयर कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके इस चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और इस वीडियो का लाभ हर वो बच्चों से उठवाइए जो बच्चा वंचित है पढ़ाई से लेकर, ठीक है स्टूडेंट। एक ही मेरा मकसद है स्टूडेंट, इंडिया को सोने के इंडिया बनाना है, ठीक है, और सोने का इंडिया तभी बनेगा स्टूडेंट जब इंडिया में हर बच्चों के पास एजुकेशन होगा क्वालिटी वाला, हर घर में एजुकेशन होगा क्वालिटी वाला, और वो मैं चैलेंज करता हूं स्टूडेंट, दूंगा ही दूंगा, चाहे जो हो जाए आपके बीच आऊंगा ही, चाहे आपके पास पैसा हो नहीं हो कुछ भी हो यार, अपन आएगा आपके पास और एजुकेशन में आग लगा देगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं परसों आपके बीच नए वीडियो के साथ 8.1 का सॉल्यूशन लेके साथ, तब तक के लिए जहां भी हो मचाते रहो, थैंक यू थैंक यू।